नमस्कार, आप सबको एक बार फिर से स्वागत है ESF इन्फो क्लब यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का ये सेशन CSD कार्ड के बारे में। देखिए, CSD कार्ड आप सबके पास है, पर ये कार्ड आपका तब तक आप इसको इस्तेमाल कर पाएंगे जब तक एक्टिव है। पहले क्या था, हर दो साल में आपको एक बार इसको रिन्यू करना पड़ता था, पर आप जानते हैं कि 2023 में एक ऑर्डर आया था और तब से आपका कार्ड हर साल रिन्यूअल का कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक बार कार्ड बन गया तो आपका कंटिन्यू चलता रहेगा, पर कब तक, ये 10 साल तक चलेगा। आफ्टर 10 ईयर्स, जिस दिन आपका कार्ड जनरेट हुआ है उस डेट से 10 ईयर्स का बाद आपका कार्ड रिन्यू कराना है। रिन्यू मीन्स क्या है, नया कार्ड बनाना है, पुराना कार्ड फिर नहीं चलेगा। आपको नए कार्ड के लिए, रिप्लेसमेंट के लिए अप्लाई करना है। अच्छा, आप ये बताइए, आपको कैसे पता होगा कि 10 साल मेरा कब पूरा हो रहा है? देखिए, ये आप जब भी CSD में जाते हैं और ग्रोसरी या फिर आप लिकर का कोई बिल जनरेट होता है, उस बिल में लिखा रहता है कि आपका कार्ड का एक्सपायरी डेट कब है, तो उस डेट को आप ध्यान में रखिए और जैसे ही 10 साल हो जाता है कम से कम 3 महीना पहले आप अप्लाई कर दीजिए। कैसे अप्लाई करेंगे? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक वेबसाइट लॉन्च किया था ऑनलाइन सर्विसेज के लिए, ताकि आप अपना CSD कार्ड ऑनलाइन बना सके, पर वो वेबसाइट आप काम नहीं कर रहे हैं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है उसमें। और इस समय अगर आपने CSD कार्ड के लिए अप्लाई करना है तो आपको ऑफलाइन करना है। ऑफलाइन करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, देखिए ये सारे डॉक्यूमेंट का जो लिस्ट है, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा। डॉक्यूमेंट का लिस्ट अगर डिटेल में आपको पढ़ना है तो इसका लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर क्लिक करके आप डिटेल में पढ़ लीजिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है और कैसे आप ये फॉर्म फिलअप करेंगे। फॉर्म अगर आपको चाहिए, इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा हमारा इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप अपना जो वेटरन्स डायरेक्टरेट है, इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स का, सबका वेटरन्स डायरेक्टरेट का एक अलग से वेबसाइट है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सभी लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ESF InfoClub.com, यहाँ पे एक आर्टिकल है जो आप जानते हैं, हमारा जो यूट्यूब चैनल है ESF InfoClub, इसी का रिलेटेड आपको वेबसाइट भी मिलेगा OGNews.com, ये हिंदी में है। आप कोई भी, दोनों में से कोई भी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और वहाँ पे सिर्फ CSD ही नहीं, ECHS, पर्स, ORP, आपका वेलफेयर, आपका पेंशन रिलेटेड, जो भी आपको एक डिफेंस पेंशनर्स का ज़रूरत होता है, ज़रूरत पड़ता है, जो भी इंफॉर्मेशन का, हर एक इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे अवेलेबल होगा। आप एक बार कम से कम विजिट कीजिए रोज। इसी उम्मीद का साथ फिर मिलेंगे फिर से कोई एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन का साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।